अपने इस इलाके में कभी भी कोई 5 से 6 सड़क मुश्किल से बनी थी, अब की बार 54 सड़क जो है अपने इलाके में बनी है। 3 डिपार्टमेंट में मार्केटिंग बोर्ड, PWD, पब्लिक हेल्थ, इन डिपार्टमेंट में सभी तो हल्का नंबर 1 पा रहा है इन्वेस्टमेंट पर। मंत्री जी, यहाँ अब की बार जितना आप लोगों ने हमारे को पैसा देकर यहाँ आशीर्वाद रखा है, 30 साल बराबर 5 साल है। सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर सवाल जो है वो मन ने रखे, मेरे से ज्यादा किसी का नहीं। आप RTI लगा कर कभी भी पता कर सकते हो। सड़कों पर कुल हमारा 82 करोड़ और स्पेशल रिपेयर पर 47 करोड़ रुपया खर्च आया है। सबका साथ सबका विकास, मैंने हर गांव में बराबर पैसा दे के विकास करवाने की कोशिश की है। 658 गलियों को हमने यहाँ गाँव में जो पैसा दिया, 658 गलियाँ पास करवाई गई, बनवाई गई। 10 से ज्यादा कभी चौपाल नहीं बनी इलाके में। 184 चौपाड़ों का जो है वो हमने निर्माण करवाया, नई चौपाड़ों का। अपनी प्लान में 1 पावर हाउस 33 KVA से ज्यादा नहीं लगवा पाया, और अब की बार यहाँ मुख्यमंत्री जी ने आपके आशीर्वाद से 6 पावर हाउसों की हमें और एक मंजूरी मिली थी। वो कोई 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया, भाई आपका पिल्लूखेड़ा में भी कन्या महाविद्यालय जो है मंजूर कर दिया गया है। किसी भी साथी को कहीं किसी टाइम 24 घंटे कोई एम्बुलेंस की जरूरत है तो टेलीफोन करता है, उसको जहां भी जाना है वो निःशुल्क उसको फ्री में वहां उसके इलाज के लिए छोड़ के आएगा। एक आदमी मेरे से मांगा अपना VIP नंबर दे दे, मगर मेरा UA है भाई, दूसरा नंबर नहीं रखा मैंने। टोटल हमारे को 535 करोड़ रुपया इस इलाके को मिला है, जिसे बहुत बड़ी राशि है। आज तक किसी भी हमारे विधायक ने पिछले ने 100 करोड़ रुपया भी कदे टच नहीं कराया था। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे बहुत ही आदरणीय कृषि व पंचायत मंत्री चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, स्वामी राघवानंद जी, मंच पर बैठे मेरे सभी माननीय आदरणीय सभी मेरे भाई, बड़े भी छोटे भी, और गांव के 73 गांव से आई हुई ये जनता, सभी मातृशक्ति, पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 4.5 साल का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा। हर साल रखता हूँ, हल्के में जितना सरकार, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी हमारे को ऊपर से जो आदेश करके पैसा भिजवाते हैं, मैं यहाँ पूरे हल्के में गाँव में बराबर का पैसा बांट के विकास करवाने के काम करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक अपने इस इलाके में कभी भी कोई 5 से 6 सड़क मुश्किल से बनी थी, अब की बार 54 सड़क जो है अपने इलाके में बनी है। 54 सड़क एक रिकॉर्ड की बात है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने पूरा आशीर्वाद, और आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मेरा, मैं उम्र में तो हूँ बड़ा, लेकिन जिस तरह छोटे भाई को पूरा आशीर्वाद और पूरा गाइडलाइन और सब कुछ करके रखा है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ धनखड़ जी का। मेरा कोई भी काम मैं लेके जाता हूँ, हाथ के हाथ करके मैंने पकड़ा दें, कोई फाइल अगर रह भी गई ना करके ना मेरे को टेलीफोन करवाओगे, भाई जिया तेरी फाइल होगी है। इससे बड़ा कोई भी इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता जितना ही करते हैं। आज धनखड़ जी आए हैं, हम इनका इस हल्के की जनता की तरफ से, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 3 डिपार्टमेंट में मार्केटिंग बोर्ड, PWD, पब्लिक हेल्थ, इन डिपार्टमेंट में सभी तो हल्का नंबर 1 पा रहा है इन्वेस्टमेंट भाई। ये छोटी बात नहीं है, मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। और मैं, मेरे को 4 साल पहले आप लोगों ने एक सेवक की जिम्मेवारी संभाली थी, मेरे से पहले भी यहाँ हर 5 साल में व्यवस्था है, आप MLA चुनते हो, काम तो उनने भी करे होंगे, विकास भी करा होगा। अब वो व्यक्तिगत करा कि इलाके का करा मुझे नहीं पता, इलाके में कोई विकास पिछला हो या नहीं है। मैं धनखड़ साहब को थोड़ा बताना चाहता हूँ, मंत्री जी यहाँ अब की बार जितना आप लोगों ने हमारे को पैसा दे कर यहाँ आशीर्वाद रखा है, 30 साल बराबर 5 साल है। मैं ये सारी 1-1 रुपए का रिकॉर्ड मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे को देकर यहाँ इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ,
मेरे से पहले हर बार पांच साल में विधायक बनते, कोई दो में बना, कोई एक में बना, कोई मंत्री भी बने। सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर सवाल जो है वो मन में रखे, मेरे से ज्यादा किसी का नहीं। आप आरटीआई लगा कर कभी भी पता कर सकते हो। पांच साल के अरसे में जो मैंने बताई 54 सड़क बनी है, 63 सड़कों का जो है वो स्पेशल रिपेयर में उनका वाइडनिंग हुई है, वाइडनिंग सारी सड़क की, दो चार सड़क बस्ती पूरे हल्के का हमने सारी सड़क वाइडनिंग करवाई आपके आशीर्वाद से। सड़कों पर कुल हमारा 82 करोड़ और स्पेशल रिपेयर पर 47 करोड़ रुपया खर्च आया है। ग्रामीण विकास पंचायती राज के विकास कार्यों में हमारे को 51 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जो ऊपर से आशीर्वाद मेरे को मिला था। हर गांव में जैसे मुख्यमंत्री के विचार हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, मैंने हर गांव में बराबर पैसा दे के विकास करवाने की कोशिश की है। पांच साल में यहां जो हमारा एक ब्लॉक है मंत्री जी, पिल्लूखेड़ा सफीदो ब्लॉक में पीने का पानी बहुत से गांवों में अच्छा है, पिल्लूखेड़ा में टोटल गांव में नीचे खारा पानी है और उस खारे पानी की वजह से हमारे को पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा था। आपके आशीर्वाद से हमने यहाँ 46 ट्यूबवेल गहरे लगवाए, जो 1400, 1500, 1200 फुट तक के लेके गए, जिनकी लागत जो है 16 करोड़ 27 लाख रुपए जिन पे खर्चा आया, ये आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ 658 गलियों को हमने यहाँ गांव में जो पैसा दिया 658 गलियाँ पास करवाई गई, बनवाई गई, 8 फिरनी बनवाई गई, 184 चौपाल जो आज रिकॉर्ड की बात है। कभी हमारे हल्के में जो है 10 से ज्यादा कभी चौपाल नहीं बनी इलाके में, 184 चौपालों का जो है वो हमने निर्माण करवाया नई चौपालों का, और 12 रिटेनिंग वाल बनवाई गई हल्के में, 22 बड़े नाले बनवाए गए जिनका जो निकासी की समस्या थी उसको निपटाने के लिए 22 बड़े नाले बनवाए, और हल्के के अंदर 9 कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण करवाया, जिस एक कम्युनिटी सेंटर में 25 से 30 लाख रुपया खर्च आता है कम से कम, और 33 शमशान घाट पर कार्य हुआ है और 5 गऊ घाट पर कार्य हुआ है। आपको एक मैं पूरा बिजली बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, 6 पावर हाउस मंत्री जी, हमारे यहाँ एक प्लान में एक पावर हाउस से ज्यादा कोई भी हमारा विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे विधायक भी रहे, अपनी प्लान में एक पावर हाउस 33 KVA से ज्यादा नहीं लगवा पाया, और अब की बार यहाँ मुख्यमंत्री जी ने आपके आशीर्वाद से 6 पावर हाउसों की हमारे को मंजूरी मिली थी, और जिनमें से 4 पावर हाउस बन के तैयार हो गए, चालू हो गए, बिजली सप्लाई शुरू हो गई, और आज अभी मेरे को एक्शन साहब बता के गए थे कि जो दो थे, एक का टेंडर लग चुका है और दूसरा भी मंजूर हो गया, 6 पावर हाउस हमारे को मिले हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है। जिन पे 10 करोड़ पिल्लूखेड़ा में बिजली बोर्ड में जो खर्च हुआ है, 10 करोड़ शहरी सफीदों के अंदर और 10 करोड़ रुपया सफीदों ग्रामीण के अंदर खर्च हुआ है बिजली बोर्ड का। पिल्लूखेड़ा में जो मैंने बहुत पुरानी हमारी इलाके की मांग थी कन्या महाविद्यालय, अभी मंत्री जी मेरे को कोई 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया, भाई आपका पिल्लूखेड़ा में भी कन्या महाविद्यालय जो है मंजूर कर दिया गया है। ये बहुत पुरानी मांग थी हमारे इलाके की, ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं, और एक हमारे जामणी गांव में मंत जी हैं, उनके डेरे पे जमीन थी, गांव वालों ने भी, मैंने उनसे निवेदन किया, 8 एकड़ जमीन उन्होंने जाते ही हमारे को दे दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक मिनट नहीं लगाई। 33 नई खाड़ों का निर्माण करवाया गया, जो नहर के खाड़ बनाए जिन पर 10 करोड़ रुपया खर्च आया रहे हैं, बहुत बढ़िया इस इलाके के लिए। एक हमने एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर रखी जो निशुल्क है, जो फ्री है, बिल्कुल भी किसी भी साथी को कहीं किसी टाइम 24 घंटे कोई एम्बुलेंस की जरूरत है तो टेलीफोन करता है, उसको जहां भी जाना है वो निशुल्क उसको फ्री में वहां उसके इलाज के लिए छोड़ के आएगी। पेंशन जिनको जरूरत पेंशन बनवाने वालों के लिए एक अपना पेंशन केंद्र भी हमने खोला हुआ है अपने ऑफिस में, जिससे आदमी को कोई दिक्कत ना आए। और मेरा मैं अपने बात भी बताना चाहता हूं मंत्री जी, मेरे पास एक मोबाइल, जब ये मोबाइल चले थे एक नंबर लिया था मैंने, वही नंबर पर आज भी है, दूसरा नंबर मेरे पास आज तक है भी नहीं,
अरे एक आदमी मेरे तो मांगा अपना VIP नंबर दे दे, मखा मेरा UA है भाई, दूसरा नंबर नहीं रखा मैंने। और हम आगे आगे भविष्य में भी हम चाहते हैं कि सड़क बिजली पानी पर काफी काम हुआ है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, इसका भी हम आगे जाके अच्छा काम करवाएंगे। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट जैसी सुविधाएं देने का हम कोशिश करेंगे, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा दिलवाएंगे। बिल्लूखेड़ा में एक हमारी मांग भी है जी, बिल्लूखेड़ा को हम तहसील और मुआना को उप तहसील बनवाना चाहते हैं मंत्री जी। हमारी बिल्लूखेड़ा जो है वो उप तहसील है, वो तो हमारी तहसील बन जाए, मुआना हमारा कम से कम 10,000 वोटों का काम है, उसमें हमारी एक उप तहसील बन जाए, हमारी ये आपसे निवेदन है। P&R विभाग से जो अपनी सड़कें बनवाई गई हैं, 157 करोड़ रुपए की सड़कें यहाँ बनी हैं। बिजली विभाग ने 30 करोड़ रुपए अपने इलाके पे खर्च किया है, और सिंचाई विभाग ने जो नवीनीकरण अपनी नहरों का कर रहे हैं 119 करोड़ रुपए यहाँ आ चुका है। सफेदो शहर की कुल राशि टोटल मिला के आज तक 48 करोड़ रुपया हमारे शहर में आ चुका है। जन स्वास्थ्य विभाग का जो ट्यूबवेल भी लगवाए गए, पाइप लगवाए गए, नाले बनवाए गए, उनमें 52 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल एक यहाँ हमारे को ITI दी थी मंत्री जी, उस ITI का भी हमारा निर्माण शुरू हो गया, 7 करोड़ रुपए से वो बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। तो ये टोटल हमारे को 535 करोड़ रुपया इस इलाके को मिला है, जिसे बहुत बड़ी राशि है। आज तक किसी भी हमारे विधायक ने पिछले ने 100 करोड़ रुपया भी कदे टच नहीं कराया था। तो मैं मंत्री जी का दोबारा फिर यहाँ पहुँचने पर इस इलाके की तरफ से भी अपनी तरफ से भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके को इतना पैसा दिया, इतना हमारे को काम करने के लिए मौका दिया, आशीर्वाद दिया। और मंत्री जी मेरा एक निवेदन और है, इस इलाके ने न्यू संभाला जाइए, बाकी तरला काम तो हम अपने आप करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का YouTube चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।